एक गांव में आलू रहता था। वो बहुत ही शरारती था, किसी को परेशान किए बगैर उसका दिन ही नहीं अच्छा जाता था। एक दिन की बात है, ककड़ी नल पे अपने मटके में पानी भर रही थी। आलू वहीं पे पेड़ के पास खड़ा था। आलू का ककड़ी के साथ शरारत करने का मन हुआ। ओ ककड़ी, नल पे पानी भर रही है, चलो आज इसका मटका फोड़ते हैं। किसी को परेशान किए बगैर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब ककड़ी अपना मटका भर के घर जा रही थी, तब आलू ने अपने गुलर से एक पत्थर मटके की तरफ फेंका। पत्थर मटके को लगने की वजह से मटका फूट गया। अरे वो आलू, ये क्या किया तुमने, मेरा मटका क्यों तोड़ा? मटका? कैसा मटका? मैंने कब तोड़ा तेरा मटका? ये क्या कह रही हो तुम ककड़ी? अभी तो तोड़ा तुमने मेरा मटका, मैं कितनी मुश्किल से पानी भर लाई थी। अरे अरे, तुम तो सीधा ही मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं तो चुपचाप यहाँ खड़ा था। तुम रुको जरा, मैं अभी तुम्हारी माँ से शिकायत करता हूँ। हंसती खेलती आ रही थी, रास्ते में हैंडसम आलू को क्या देखा, फिसल गई और मटका तोड़ दिया। अरे वो आलू, तुझे शर्म नहीं आती? तू कितना झूठ बोल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ककड़ी अपनी जूती निकाल कर आलू को फेंक के मारती है। हाय ककड़ी की सुंदर सी जूती। अरे ये जूती पैर में पहनने के लिए होती है, ना कि मारने के लिए। रुक जा आलू, आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे बस बस, छोड़ दो मुझे, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अगले दिन गाजर अपने घर के सामने खटिए पे सोया हुआ होता है, तभी वहाँ पे आलू आ जाता है। एक गाजर चाचा बिना जब चाहे तब खराटे मारता रहता है। आज इसे सबक सिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले देख लेता हूँ ये सच में सोया है कि नहीं। हाँ अब ठीक है, चलो गाजर चाचा तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। उसके बाद आलू ने गाजर के खटिए को उठाया और दूर जंगल में जाकर रख दिया और खुद जाकर छुप गया। कुछ देर बाद गाजर की नींद खुली। वैसे ही वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। अरे मैं तो घर के बाहर सोया था, यहाँ कैसे आ गया? बहुत सुनसान जगह है, लगता है भूत लेके आए मेरे खटिए को। गाजर वहाँ से डर के मारे चला जाता है और आलू चुप चुप के हंस रहा होता है। उसी तरह एक दिन शिमला चाची आम बेच रही थी। कितने मीठे आम लिख रहे हैं, मेरा तो बहुत मन हो रहा है खाने का, लेकिन कैसे खाऊं? ये शिमला चाची तो मुझे एक भी आम नहीं देगी बगैर पैसे के। हाँ एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, जब इसका बेटा आएगा तब उसको बेवकूफ़ बनाकर आम खाऊंगा। थोड़ी देर बाद शिमला चाची का बेटा आता है, उसको देख के आलू वहाँ पे आ जाता है। अरे भागो, बचाओ, कोई भूकंप आ गया है। आलू भैया क्या हो गया, मुझे भी बता दो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कितना जोर का भूकंप आ गया है? लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो आम बेच रहा हूँ। अरे जिंदा बचोगे तभी तो आम बेचोगे ना, बचाओ कोई, भागो। आलू वहाँ से चला जाता है और डर के मारे शिमला चाची का बेटा भी वहाँ से चला जाता है। आलू वापस आकर आम की टोकरी उठा के नदी के किनारे चला जाता है। शिमला चाची का बेटा वापस आके देखता है तो उसे आम नज़र नहीं आते। वो आलू की चलाकी समझ जाता है और वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। इधर आलू बड़े आराम से आम के मज़े ले रहा होता है, तभी वहाँ पे शिमला चाची आ जाती है। मेरे आम चुराएगा तू, रुक अभी बताती हूँ। शिमला चाची आलू की पिटाई कर देती है। दूसरे दिन गांव के सभी सरपंच के पास आलू की शिकायत लेकर जाते हैं और सरपंच आलू को सजा देता है कि आलू को कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बंद करवा दिया जाए और कुछ दिनों के लिए उसे खाने को भी नहीं दिया जाएगा।